हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो मेरी उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो पीरियड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हैं और जानना चाहती हैं, स्पेशली टीनेजर्स जिनके मन में पीरियड्स को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। पीरियड्स क्यों होते हैं, पीरियड्स कहाँ से होते हैं, पीरियड्स में पेन क्यों होता है और उन्हें पीरियड्स में क्या यूज़ करना चाहिए, क्या उनके लिए बेस्ट होता है, ये सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहती हैं तो आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड गर्ल्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे मन में जब हम टीन एज में होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। अपनी मम्मी से पूछने में, बड़ी बहन से पूछने में हमें शर्म आती है, हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो हम उनसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और फिर रही बात फ्रेंड सर्कल की, तो फ्रेंड सर्कल में हमारे फ्रेंड्स को भी उतना नहीं पता होता है कि वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आज मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आपके मन में रहते हैं और आप उनके जवाब ढूंढते रहते हैं, आप जानना चाहते हैं उनके सही सही जवाब क्या हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप वीडियो से कुछ सीख के जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ पहले सवाल का जवाब। अगर आप लड़की हैं और आपको कुछ दिनों पहले ही पीरियड्स होना स्टार्ट हुए हैं, आपको पीरियड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपके मन में ये वाला सवाल डेफिनेटली आता ही होगा कि पीरियड्स आखिर होते क्यों हैं, क्या ये कोई भयानक बीमारी है जो आपको हो गई है। तो नहीं गर्ल्स, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। हर लड़की को पीरियड्स होते हैं एक उम्र के बाद, तो पीरियड्स अब आपको आते हैं तो आपको डरना नहीं है। एंड अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पीरियड्स आपको इसलिए होते हैं ताकि आगे जाके आप कंसीव कर सकें, आप माँ बन सकें, इसीलिए आपको पीरियड्स होते हैं। अगर आप टीनेजर हैं तो आपके मन में ये वाला सवाल भी डेफिनेटली आता होगा कि पीरियड्स आपको कितनी उम्र में होते हैं और कितनी उम्र में पीरियड्स होने चाहिए। तो गर्ल्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, 10 साल के बाद, जब आप 10 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपको कभी भी पीरियड्स हो सकते हैं। तो आपको 10 साल के बाद इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको पीरियड्स हो सकते हैं। आपको 12 साल पे, 14 साल पे, 15 साल तक आपको पीरियड्स हो जाने चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट होता है। और अगर आप 15 साल के हो चुके हैं फिर भी आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो आपको गायनी को कंसल्ट करना चाहिए, वही आपको बताएंगी कि आपको पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे हैं, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ गर्ल्स, आप ध्यान रखें, अगर आप छोटी बच्ची हैं, मुझे देख रही हैं, तो आपको 10 साल के बाद कभी भी पीरियड हो सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। एंड अगर आप पेरेंट्स हैं, मम्मियाँ हैं जो मुझे देख रही हैं, तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपनी बच्चियों को पीरियड्स के बारे में बताइए, उन्हें बताइए पीरियड्स कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उन्हें बताइए कि अगर उन्हें अचानक से पीरियड आ जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। आप ये सारी बातें अपनी बच्चियों को पीरियड होने से पहले ही बता दीजिए ताकि अगर कभी उन्हें अचानक से पीरियड आ जाए तो वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, वो डरे ना। क्योंकि आजकल मैंने सुना है 3rd क्लास की बच्चियों को भी पीरियड्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। गर्ल्स, नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सवाल। जब मैं टीनेज में थी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था पीरियड्स के बारे में, तो हमेशा मेरे मन में रहता था कि क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे खा के हम पीरियड्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें, पीरियड्स नाम के टैबू से छुटकारा पा सकें। एंड आई एम डैम श्योर कि आपके मन में भी ये वाला सवाल ज़रूर आता होगा, क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे खा के आप अपने पीरियड्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो नहीं गर्ल्स, ऐसी कोई भी टैबलेट नहीं होती है जिन्हें खा के आपके पीरियड्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हाँ, ऐसी टैबलेट होती हैं जिन्हें खा के आप अपने पीरियड्स को 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपको पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कई और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आपको इन टैबलेट्स को लेना चाहिए। हाँ,
तुम्हारे पीरियड ब्लड से गंदा स्मेल आता है, छी। ऐसा ही रिएक्शन होगा जब आप किसी से पूछेंगे कि आपके पीरियड ब्लड से गंदा स्मेल आता है तो क्या ये नॉर्मल है या ये अननॉर्मल है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड ब्लड से जो गंदा स्मेल आता है वो नॉर्मल होता है या फिर वो नॉर्मल नहीं होता है। गंदा स्मेल तब आता है जब आप एक ही पैड को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, 8 से 9 घंटे आप एक ही पैड को यूज़ करते हैं, या फिर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, बहुत सा ऐसा खाते हैं पीरियड में जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो आपके पीरियड ब्लड से गंदा स्मेल आने लगता है। यस गर्ल्स, ये बात लॉजिकली है कि पीरियड के ब्लड में कोई भी गंदा स्मेल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हैं तो आपको कभी भी गंदा स्मेल फील नहीं होता है। आप टैम्पॉन या फिर पैड यूज़ करती हैं तभी वो आपको गंदा स्मेल फील होता है, क्योंकि जो ब्लड बाहर आ रहा है वो पैड से कांटेक्ट होता है और पैड में बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जिनके साथ वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो आप इस बात का टेंशन निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि आपके पीरियड ब्लड में गंदा स्मेल आता है। आप टाइम टू टाइम अपना पैड चेंज कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को, तो आपको बिल्कुल भी गंदा स्मेल फील नहीं होगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसे आप में से बहुत सी लड़कियां जानना चाहती होंगी कि पीरियड्स का 1 से 2 दिन होना नॉर्मल है या फिर ये नॉर्मल नहीं है। तो गर्ल्स, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको पीरियड्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, इरेगुलर नहीं हुए हैं, और आपको पीरियड सिर्फ 1 दिन होता है या 2 दिन होते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आपको 7 से 8 दिन पीरियड हो तभी ये नॉर्मल है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को 5 दिन पीरियड होते हैं, किसी को 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक भी पीरियड्स होते हैं, और किसी को सिर्फ 1 दिन भी पीरियड होते हैं और पेन भी नहीं होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पीरियड्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं, आपको 25 से 30 दिन के अंदर अगर पीरियड्स आ जाता है तो आपका पीरियड्स रेगुलर है, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, चाहे आपका पीरियड 1 दिन हो या फिर 1 हफ्ते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या पीरियड आने से पहले या पीरियड जाने के बाद आपको ब्रेस्ट में पेन होता है? आपका ब्रेस्ट आपको हल्का या भारी महसूस होता है, तो क्या ये नॉर्मल है? ये सवाल भी आपके मन में रहता ही होगा, तो आज मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ। यस गर्ल्स, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपको पीरियड आते हैं या जाते हैं तो आपको ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, आपका ब्रेस्ट आपको थोड़ा हल्का या भारी फील होने लगता है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपके जो हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जब आपको पीरियड होते हैं तो आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ओके, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एंड मेरी प्यारी प्यारी क्यूटी पाई गर्ल्स, आप इतना डरा ना करो, इतना शर्माए ना करो। अगर आपको कुछ भी पीरियड रिलेटेड पूछना हुआ करे तो आप अपनी मम्मी से, अपनी बड़ी बहन से पूछ लिया करो, वो आपको इन सारी बातों के सही सही जवाब देंगी। और अगर आपको उनसे पूछने में अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको ऑकवर्ड लगता है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपको उसका बिल्कुल सही सही जवाब दूंगी। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो, एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी सभी फीमेल फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के पीरियड्स के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठी कर पाएँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।